अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो आज मैं आपको एक ऐसा फेस वॉश बताने वाला हूँ जो कि ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बेस्ट होने वाला है। देखो, अच्छे फेस वॉश ना आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों पे बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं, लेकिन जो फेस वॉश अच्छा होता है ना उसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी होती है। समझ रहे हो बात को? जो फेस वॉश आज मैं आपको बताऊंगा वो बेस्ट होगा ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए, लेकिन उसकी प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल होगी, उसे हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। रिज्यू ग्लो फेस वॉश की मैं बात कर रहा हूँ गाइस। देखो, इस फेस वॉश को ना मैंने 6-7 महीने तक यूज़ किया है और मेरा पर्सनल फेवरेट बन चुका है ये। तो आपको इस फेस वॉश को क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या है इसके प्रोस एंड कॉन्स, सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है या फिर आपकी स्किन बहुत डल हो चुकी है, डार्क हो चुकी है, तो कसम से बता रहा हूँ आज की वीडियो को ना स्किप करने की गलती करना ही मत, बने रहना वीडियो पे एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बूम! क्या आपके स्किन के ऊपर एक्ने पिंपल है? क्या आपके फेस वॉश के अंदर सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड है? जी हाँ, अगर आपके स्किन के ऊपर एक्ने पिंपल है ना, तो सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड आपके फेस वॉश के अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि यही वो दो अनमोल रत्न है जो कि आपके स्किन को पिंपल फ्री रखेंगे। इस फेस वॉश में आपको दोनों मिल जाएंगे, 1% सैलिसिलिक एसिड, 2% ग्लाइकोलिक एसिड, और इस फेस वॉश में 0.5% विटामिन ई भी है जो कि डार्क स्पॉट्स को रिमूव करके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, और इसमें आपको 5% एलोवेरा भी मिल जाएगा जो कि बेसिकली स्किन को मॉइस्चराइज करने के काम आता है। फेस वॉश के जो इंग्रेडिएंट्स है ना, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन ई, एलोवेरा, ये सेम इंग्रेडिएंट्स आपको बहुत सारे फेस वॉश में मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी किसी भी फेस वॉश को उसके इंग्रेडिएंट्स के बेस पे नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि पता है कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, दो फेस वॉश का मैंने कंपैरिजन किया था, आहाग्लो और टोन एंड ग्लो का। दोनों फेस वॉशेस में इंग्रेडिएंट सेम थे, फिर भी आहाग्लो बेस्ट है और टोन एंड ग्लो वर्स्ट है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स होते ना वो भी अलग अलग क्वालिटी के होते। अगर किसी फेस वॉश के अंदर हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स है ना, तो आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन सेम इंग्रेडिएंट्स किसी अलग फेस वॉश में चीप क्वालिटी के ना, तो वो फेस वॉश आपकी स्किन को खराब कर सकता है। रिज्यू ग्लो फेस वॉश के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए वो हाई क्वालिटी के। मैंने भी इस फेस वॉश को 6-7 महीने तक यूज किया, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था इस फेस वॉश के साथ वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखो, इस फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड दोनों आपको मिल जाएंगे जो कि आपके स्किन के पोर्स को अनक्लॉक करेंगे, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेंगे और ऑयल को कंट्रोल करेंगे, जिससे आपको ब्लैक हेड, व्हाइट हेड आने बंद हो जाएंगे और आपके एक्ने पिंपल भी काफी कंट्रोल में आएंगे। और ये फेस वॉश डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को रिमूव करने में भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर 0.5% विटामिन ई है। और देखो, इस फेस वॉश में ना एलोवेरा तो डाला गया है मॉइस्चराइजेशन के लिए, लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है ना, तो ये फेस वॉश आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है, तो इसके साथ आपको मॉइस्चराइजर भी यूज करना पड़ेगा। और इस फेस वॉश की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि ये फेस वॉश ना स्किन को सचमुच में बहुत क्लीन रखता है और हमारे स्किन टोन को भी काफी इंप्रूव करता है। बहुत लोग होते ना जो कि बोलते हैं, भाई बचपन में मैं गोरा था लेकिन अब मैं काला हो चुका हूँ, उनके लिए है फेस वॉश। अगर आप अपने स्किन को धूप से बचा के रखते हो और रिज्यू ग्लो फेस वॉश को 2-3 महीने भी यूज करोगे ना, तो आपका जो ओरिजिनल स्किन टोन है ये उसे फिर से लौटाएगा। लेकिन इस फेस वॉश के अंदर ना कुछ केमिकल्स का भी यूज हुआ है, जैसे कि सल्फेट, परफ्यूम। अगर आपके स्किन एक्ने प्रोन है ना, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो 100% नेचुरल फेस वॉश होते हैं ना, जिनमें नीम, बेसिल, टी ट्री ऑयल, जोजोब ऑयल, एलोवेरा वगैरह होते, उन्हें मैं खुद पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ। वो फेस वॉश ना ही आपकी स्किन को ठीक से क्लीन कर पाएंगे, ना ही आपके ऑयल को, ना ही आपके एक्ने को कंट्रोल कर पाएंगे। नेचुरल फेस वॉश को यूज़ करने से बस आपके पैसे वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा और आपकी स्किन और भी ज़्यादा खराब होगी। और गर्मियों के मौसम में तो रिस्क बिल्कुल भी मत लेना नेचुरल फेस वॉश को यूज़ करके, क्योंकि अगर इस मौसम में आपके एक्ने पिंपल बढ़ने लग जाएंगे ना, तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वही फेस वॉश यूज़ करो जिनमें सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड हो। 2-3 केमिकल होगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता देता हूँ अगर आप रिज्यू ग्लो फेस वॉश को यूज करना चाहते हो तो। देखो, सबसे पहले तो अगर आपने कभी भी सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉश को यूज नहीं किया है, तो हो सकता है ये आपकी स्किन को इरिटेट करे। इसलिए इस फेस वॉश को ना आपको अपने स्किन केयर में धीरे धीरे ऐड करना पड़ेगा। पहले आप इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार यूज करना, दूसरे हफ्ते आप इसे 3 बार यूज करना, तीसरे हफ्ते आप इसे 4 बार यूज करना, 1 महीने बाद आप इस फेस वॉश को रेगुलर ट्वाइस ऑफ डे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर इस फेस वॉश से आपकी स्किन पे कोई भी इरिटेशन हो रही है ना, तो इसे सिर्फ 1 बार यूज करना रात के वक्त। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है ये फेस वॉश आपकी स्किन को ड्राई करे, आपकी स्किन पे रेडनेस लाए, तो आपको इसके साथ ना मॉइस्चराइजर भी यूज करना पड़ेगा। और जो लोग भी रिज्यू ग्लो फेस वॉश को यूज करेंगे ना, सबके लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस फेस वॉश के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि सेल टर्नओवर रेट को बढ़ा देगा, जिससे आपकी स्किन ना सेंसिटिव बन जाएगी। धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वरना आपकी स्किन और भी ज्यादा डार्क हो सकती है, टैन खा सकती है। रिज्यू ग्लो फेस वॉश की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि देखो, ये एक्ने प्रोन स्किन वालों पे ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसकी प्राइस भी बहुत कम है, 275 रुपीज बॉक्स पे मेंशन है। लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदोगे ना, तो ये आपको और भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाएगा। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना। और हाँ, देखो, मुझे पता है अपने पहले की 2 वीडियो में मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है, तो गर्मियों के मौसम में आपको फोमिंग फेस वॉश यूज करना चाहिए। फिर भी इस फेस वॉश का रिव्यू करके मैंने इसको बेस्ट बोला। इसका रीजन पता है क्या? ये वीडियो
मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जो कि आहा ग्लो को यूज़ करते हैं। जिन लोगों को भी आहा ग्लो ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है ना, तो उन लोगों को आज मैंने आहा ग्लो का अल्टरनेटिव बताया। फिर भी मुझे पता है आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी। अभी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे भाई क्या वो फोमिंग फेस वॉश यूज़ करे या फिर इसे यूज़ करे, तो इसका आंसर मैं आपको कर देता हूँ। अगर आपका बजट अच्छा है तो फोमिंग फेस वॉश यूज़ करना, लेकिन अगर आपका बजट अंडर 300 रुपीज़ है तो गो फॉर इट। क्लियर? अगर आप लोगों को आज का रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे वीडियोज और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। टाटा।